सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 7, हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन की बुक का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड स्पेस फॉर आर्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे हम आर्ट बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें जो मटेरियल है और जो आर्ट करने की जगह है, उसको हमें कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो जो मटेरियल्स हैं विजुअल आर्ट्स के लिए, विजुअल आर्ट क्या होती है, जिसको हम देखते हैं, ऐसी आर्ट जिसके बारे में मैंने विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होती है इसको आपको मैंने पिछले कुछ चैप्टर्स में समझाया है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक टॉपिक को 3 या 4 बार बोलूँगी तो उससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए, मटेरियल्स प्रोवाइड करना दो तरीके से हो सकता है, या तो टीचर्स जो कि स्कूल का पार्ट होती हैं उनके थ्रू, या फिर चिल्ड्रन जो कि कम्युनिटी का पार्ट होते हैं उनके थ्रू। अब ये क्वेश्चन आप लोग रेज मत करना कि टीचर भी तो कम्युनिटी का पार्ट होती है। यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं कि बच्चों के लिए दो वर्ल्ड होते हैं, एक बाहर का वर्ल्ड, एक स्कूल का वर्ल्ड। ठीक है, टीचर मैं मानती हूँ कि कम्युनिटी बनाती है, टीचर भी एक पार्ट है कम्युनिटी का। जितने भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, वो सब कम्युनिटी है। लेकिन बच्चों के वे से अगर मैं देखूँ तो उनके लिए दो दुनिया है, एक स्कूल की एक घर की। तो स्कूल की दुनिया में टीचर, जिसको वो स्कूल समझते हैं, जो कि होते भी हैं, तो वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, या बच्चे जिनको हम कम्युनिटी हम बोल रहे हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई आर्ट एक्टिविटी करें तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपने आसपास से कुछ ऐसे सामान लेकर आओ जिसमें बच्चों की ज़्यादा पैसों का खर्चा ना हो, या तो बिल्कुल खर्चा ना हो। जैसे कि कोई एम्प्टी बॉक्स ले आए बच्चे, कोई खाली बॉटल, पत्ते, फ्लावर्स, ठीक है, ये ले आए, जिससे आर्ट की हमारी एक्टिविटी भी हो जाए और बच्चों को ऐसा लगे कि देखो मैं लेकर आया हूँ, तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अब पेरेंट्स से हम कैसे बोल सकते हैं कि आप हमारी कैसे हेल्प करो, कि जैसे कि पेपर प्लेट्स होती हैं, थर्माकोल ग्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स होते हैं घर में, तो जब पेरेंट्स के थ्रू बच्चे वो लेकर आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब हम म्यूज़ियम वगैरह से कैसे हेल्प ले सकते हैं, हम वहाँ से पोस्टर्स, कैलेंडर, कुछ पिक्चर्स, कुछ स्टोरी बुक्स, कुछ बुक्स लेकर आ सकते हैं, जिससे हम रेफरेंस लेके कोई आर्ट का काम करवा सकते हैं। फिर हमारी कम्युनिटी है, जिससे जैसे कोई क्या कहते हैं टेलर है, हम उससे कुछ थ्रेड्स वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए बटन्स ले सकते हैं, या फर्नीचर की शॉप पे कुछ उनके पास एक्स्ट्रा शेप्स कटी हुई रखी हूँ, हम वो ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई जैसे कि पॉटरी करता है तो उससे हम वो सामान ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें दे दो, हमें क्लास में बच्चों को दिखाना है, तो जिससे उन लोगों को भी अच्छा लगे और बच्चे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। जैसे अगर किसी के घर में जो बच्चे हैं उनकी फैमिली पॉटरी करती है, तो हम बच्चों को भी बोल सकते हैं, इससे बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, वो रूट से कनेक्टेड रहेंगे, अपनी जड़ों से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, अब हम कुछ टीवी वगैरह या वीडियो की क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को एक टॉपिक समझाने के लिए। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए हमें क्या क्या टॉप चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे ज्वेलरी चाहिए होती हैं, ड्रेस चाहिए होते हैं, मेकअप जिसको कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, कॉस्ट्यूम्स चाहिए होते हैं, बैंगल्स चाहिए होती है। ठीक है, ये कुछ सामान है जो कि हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में चाहिए होता है। अब हमें आर्ट अगर परफॉर्म करवानी है तो उसके लिए कुछ स्पेस भी अवेलेबल चाहिए। ठीक है, तो जो फर्नीचर होगा वो भी अच्छा होना चाहिए, बच्चे आराम से कर पाएँ, उनके लिए स्पेस हो प्रॉपर, या फिर अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट है तो उसमें बच्चों के लिए स्पेस होना चाहिए कि वो अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, या फिर अगर बाकी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उन्हें देख पाएँ, उनकी सीटिंग अच्छी हो, वहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, वहाँ पे म्यूज़िक अगर है तो वो अच्छे से प्ले हो, अगर इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं बच्चे तबला वगैरह तो वो अच्छे से सुनाई दे, वॉल्स वगैरह हो, आसपास प्रॉपर हो, ट्रीज़ हो, जिस ट्रीज़ के शेड में भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं, तो स्पेस अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी कोई भी आर्ट है वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगी। तो यही था हमारे इस वीडियो में, होप आपको वीडियो समझ आएगी, हाई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।